बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सहरसा के नवहट्टा हाई स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर ऊर्जा मंत्री वीरेंद्र यादव, एमएलसी विजय चौधरी, मध्य निषेध एवं निबंध मंत्री रत्नेश सादा, पूर्व मंत्री सह विधायक आलोक रंजन झा, महर्षि विधायक गुजेश शाह की मौजूद थे। तीसरे चरण के तहत 7 मई को मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने कई मंत्रियों के साथ नवहट्टा हाईस्कूल पहुंचकर एनडीए समर्थित अपने प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव के समर्थन चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही 7 मई को मतदान के दिन मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव के पक्ष में वोट डालने के लिए जनता से अपील की है। मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए मुख्यमंत्री ने उन्हें अपनी उपलब्धियां गिनवाई है, बल्कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लिए कोई सोचता था, मदरसा में कोई पढ़ाई नहीं होती थी, हम लोगों ने मदरसे को सरकारी दर्जा देने का काम किया है, उसमें मुस्लिम समाज के लोगों को रोजगार देने के लिए शिक्षक की बहाली की है, उन्हें भी सरकार की तरफ से पेमेंट मिल रहा है, कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाई गई है। जरा आप सोचिए, बात बात पर हिंदू मुस्लिम में कितना झगड़ा झंझट होता था, उस झगड़े और झंझट को खत्म करवाया है, सभी समुदाय के लोग अब शांति से रहने लगे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर जमकर बरसे, कहा उन्हें सिर्फ अपनी बेटा बेटियों की चिंता है, बेटा बेटियों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, उन्हें बिहार और बिहार वासियों की कोई चिंता नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि लालू यादव पर टीका हमला बोलते हुए कि इतना कोई बच्चा पैदा करता है, बताइए 9 गो बालक पैदा कर लिए हैं और अब वो पारिवारिक उलझन में फंस गई हैं, अब बेटा बेटी को आगे बढ़ा रही हैं, हम लोग कोई परिवार के लोगों के लिए नहीं सोचते हैं, पूरा बिहार हमारा परिवार है और हम बिहार के लिए सोचते हैं। हम लोग उसका भी कब्रिस्तान हम लोग करवा रहे हैं, अब कब्रिस्तान में कोई दिक्कत नहीं है, घेराबंदी है, तब उन लोगों को अब क्या दिक्कत हो रही है, कहीं झगड़ा हो रहा है जी? तो अगर हम लोगों की बात नहीं सुनिएगा और उन्हीं लोगों के चक्कर में चले जाइएगा, तो आप जो आज शांति में है, हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं, वो फिर झगड़ा कराते रहेगा, उन लोगों का धंधा क्या है? आप बाल बच्चा को आगे बढ़ाता है, अरे हम ही बना दिए थे, हम तो हट गए, देखिए गड़बड़ कर रहा है। और उसके बाद जो हमने जिसकी चर्चा कर दी, अब बाद में 7 साल के बाद उसको हटना पड़ा, तब बीवी को बनवा दिया, अब बाद में 9 गो बाल बच्चा पैदा किया, जरा बताइए, तो इतना बाल बच्चा पैदा करना चाहिए, इतना ज्यादा, अब बाल बच्चा इतना पैदा किया, और उसके बाद कै गो बेटी को बढ़ा रहा है, अब बेटा को बढ़ा रहा है, लेकिन हम लोग कोई अपना बेटा बेटी को बढ़ाए हैं? हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और इसके बच्चे बच्ची सब हम लोगों के हैं, तो हम लोग उनके लिए काम करते हैं, ये लोग अपना काम करता है, आई लोग बोलते रहता है, आप प्रेस वाले लोग तो कुछ कुछ उसको प्रचार कर रहे हैं आजकल, तो क्या क्या करता है, कोई काम किया जी? हम उधर को साथ पे थे, एक बार लाए थे तो हम ही, उसने कहा था कि कैसे कितने लोगों की बहाली होगी, तब बहाली हम करवा रहे थे, तो आजकल हटा दिए हैं, तो कहता पहले कोई बहाली नहीं होता था, हम ही बहाली किए, तब एक दिन हम कहना शुरू किए कि तू कभी बहाली किए हो? आज तक कभी बहाली नहीं हुआ, अब 5 से 20 तक में हम लोगों ने बहाली करवाई 8,000 लोगों को, इसके 8 लाख लोगों को, और उसके बाद जो इधर हम लोगों ने किया था, ये जो हम लोगों ने किया था 2020 में, कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, अब वही काम हम लोग शुरू करवा दिए थे, 1 लाख का हो गया था, ये सबको साथ लाए थे तो हम कहे थे वही सब काम हो रहा था, तब 4 लाख से ज्यादा हो गया, 1 लाख भी लगभग पूरा हो गया, और 3 लाख का काम चल रहा है, वो भी पूरा हो जाएगा, अगले साल के अंत तक जब चुनाव होने वाला है उसके पहले ही 10 लाख, उससे भी ज्यादा जरूरत होगा, तो उतने लोगों की बहाली और उसके अलावे रोजगार भी। तो जब आप जान लीजिए, जब 2005 से 2010 में 8 लाख लोगों को हम लोगों ने बहाली करवाया था, दिया था सरकारी नौकरी, और लाखों लोगों को रोजगार, और अभी तो इतना लोगों को हम लोग दे ही रहे हैं, अब 5 लाख लोगों को भी रोजगार, तो ये सब काम, एक एक काम किया जा रहा है।